सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। गाइस, तो आज मैं अभी हूँ NH में, जो कि NH 27 है। एंड आज मैं आया हूँ एक ढाबा पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस ढाबा का नाम है कृष्णा लाइन होटल, जो कि अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो दीपक इधर आओ। ये जो ढाबा है, ये आदि गोपालपुर NH 27 दरभंगा 4 लाइन मुजफ्फरपुर के पास पड़ता है। एंड यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही मेहनती है, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। एंड मैं जब भी पटना से अपने घर जयनगर जाता हूँ, एंड जयनगर से जब भी मैं पटना आता हूँ, तो इस ढाबे में मैं एक बार ज़रूर आता हूँ और यहाँ रुक के ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ खाता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एंड यहाँ के जो लोग हैं, उनका जो बिहेवियर है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सो आप लोग, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। एंड इनको ना आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से कभी भी गुजरे तो इस होटल में एक बार जरूर आए, इस ढाबा में एक बार जरूर आए और यहाँ पे जरूर टेस्ट करें। तो आइए सबसे पहले यहाँ के जो ऑनर है उससे मिलते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे कैसे वो लोग खाना बनाते हैं, कैसे कस्टमर को सर्व करते हैं, ये सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे जो वो डिश बनाते हैं उसको भी हम टेस्ट करके बताएंगे। एंड आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इन सबका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और एक बार अगर यहाँ से गुजरे, इसका लोकेशन वगैरह, ढाबा का जो लोकेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग अगर यहाँ से गुजरे तो एक बार जरूर इस ढाबा पे आए। तो चलिए किचन में चलते हैं और यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और देखते हैं वो कैसे खाना यहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं और यहाँ पे कैसे आप लोग खाना बनाते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम है बबलू सिंह। बबलू सिंह जी। और क्या आपका होटल कैसा है, मतलब क्या सुविधा आप यहाँ देते हैं कस्टमर को? सुविधा ही जो अपना कस्टमर आता है उनको इज्जत देते हैं, पहले अपना जो सेवा पानी वो करते हैं, बाकी ऑर्डर लेते हैं अपना जो। तो आप लोग अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो उसको खाना आप कैसे सर्व करते हैं, मतलब खाना आपके यहाँ पहले से बना रहता है या कस्टमर आने के बाद आप खाना को बनाते हैं? जी नहीं, कस्टमर आने के बाद 10 से 15 मिनट टाइम देते हैं, उसके बाद कस्टमर जो ऑर्डर देंगे देते हैं। सो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग आते हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे खाना बना नहीं रहता है, आपको फ्रेश खाना मिलता है। आप जब यहाँ पे आ जाओगे, 10 से 15 मिनट आप दोगे तो यहाँ पे फ्रेश खाना बनाया जाएगा, यानी रोटी भी यहाँ पे फ्रेश बनाया जाता है एंड टोटल सब्जी जितना भी होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है एंड आपको फिर से सर्व किया जाएगा। सो आइए बाकी लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं। आपका यहाँ पे क्या काम है, आपका क्या मतलब, आप क्या है होटल के? मैं मैनेजर हूँ, आप होटल का मैनेजर है। मालिक एक दो दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, जो ऑनर है यहाँ के वो एक दो दिन के लिए बाहर गए हैं और ये होटल आप ही लोग चलाते हैं? अभी फिलहाल हम लोग यही चलाते हैं। अच्छा, ये होटल है जो यही लोग मतलब यही चलाते हैं, तो यहाँ के ये मैनेजर हो गए। आइए इनसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, तो आप इस होटल में क्या करते हैं? सारा काम करते हैं। जैसे मैं खाना लगाना, कस्टमर से ऑर्डर लेना, यही सब करते हैं। अच्छा, तो आपका काम हो गया कस्टमर से ऑर्डर लेना और वहाँ तक खाना को पहुँचाना। आपका क्या नाम हो गया? जगदीश सैनी। क्या? जगदीश सैनी। जगदीश सैनी, आप क्या करते हैं इस होटल में? हमारे काम है बनाने का। बनाने का, यानी आप यहाँ के कुक हो गए हैं, आप खाना बनाते हैं? नॉन वेज या वेज बनाते हैं? सारे, सारा वेज, सारा बनाते हैं। तो ये रहे और यहाँ पे एक बाबू है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? दित्य कुमार। क्या करते हो यहाँ पे तुम? पानी देने का तुम काम करते हो। और देख सकते हैं यहाँ पे बाबा भी हैं, तो आइए बाबा से भी पूछते हैं कि बाबा क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो बाबा, सबसे पहले प्रणाम, आप यहाँ पे क्या करते हैं? पैसा वैसा लेते हैं यहाँ। अच्छा, मतलब काउंटर पर आप ही बैठते हैं? हाँ। तो बाबा काउंटर संभालते हैं, जो भी हिसाब बारी हो सब बाबा ही करते हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और बाबू जी से बोलते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा डिश बनाएंगे जिसे हम टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे कि वो डिश कैसा है। तो क्या बनाइएगा आज हमारे लिए? तो बबलू जी क्या बनाइएगा आज? तो फिलहाल मैं आप चिकन हांडी बना के देता हूँ। अच्छा, चिकन हांडी एंड ये तो नॉन वेज हो गया, एंड वेज में क्या बनाइएगा? मैं आपको पनीर मसाला, नॉर्मल पनीर मसाला। तो चलिए चिकन हांडी जो नॉन वेज में हो गया एंड पनीर मसाला जो वेज में हो गया, तो चलिए कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। चलिए बनाइए।
चीज़ पूछना था आपसे, आप जो ऑयल यूज करते हो तो जो बच जाता है ऑयल उसको रखते हो या उसको क्या करते हो, मतलब ऑयल फ्रेश यूज करते हो ना? तो फ्रेश है जो है हमारा, फ्रेश है, फ्रेश है हमारा पास, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सब्जी फ्राई होता है जैसे पनीर फ्राई होता है, हमको पनीर फ्राई करना था हल्का ही तेल, जितना तेल का यूज है उतना ही तेल में आप काम निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप यूजिस तेल, यूजिस जो ऑयल होगा ना उसको फिर से मत यूज कीजिए, हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ये भी नॉर्मल है, जैसे हमको पनीर फ्राई करना है तो यूज कर लेंगे पनीर मसाले। देख सकते हैं यहाँ पे पनीर फ्राई हो चुका है, प्लेन ग्रेवी यूज होता है, ठीक है, प्लेन ग्रेवी होता है। उसके बाद जितना जैसे कस्टमर के हिसाब से अपना ऑर्डर आ गया, कोई तीखा खाता है, कोई हल्का स्वीट टाइप के खाता है, जैसा जैसा जो कस्टमर का ऑर्डर होता है उस हिसाब से हम ऑर्डर मारते हैं। प्लेन रखते हैं, जैसा कस्टमर आप, जैसा कस्टमर को डिमांड हो उस टाइप से उस तरीके से हम डिश करते हैं। जो डिश बन चुका है एक्चुअली बन चुका है, बनने में लगभग उनको लग रहा है कितना मिनट लगा होगा, 5 मिनट लगा होगा। सो ये देख सकते पनीर मसाला बनने में 5 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट अगर आप देते ना आपको फ्रेश खाना मिलेगा, लजीज लजीज खाना आपको मिलेगा। सो आप बनाने जा रहे हैं चिकन नान। तो ये देखिए पनीर मसाला बन चुका है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसको जब हम खाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। तो मैं यहाँ बहुत बार ये खा चुका हूँ, सो मुझे तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी जो बन रहा है वो बनेगा चिकन हांडी, जो चिकन यहाँ पे देख सकते रखा हुआ है और यहाँ पे अभी कुक करने के लिए रेडी है, जो भी मसाला सब है वो यहाँ पर है। तो अदरक और मिर्ची पहले डाला गया, लहसुन इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज टमाटर ये सब थोड़ा अच्छा से लाल करके भूनने के बाद जो हल्का ग्रेवी होता है, जो अपना मटेरियल होता है क्रीम होता है इसके अंदर, एक्चुअली हंडी के अंदर क्रीम होता है, दूध डाला जाता है, ये सब बन जाता है। चिकन फिलहाल डाल दें, क्रीम डालता है, क्रीम भी दिखा दो, क्रीम डालता हूँ।
खुशबू से मालूम पड़ जाता है नमक कम है। ये रेडी हो गया है, रेडी हो गया। तो देख सकते हैं हमारा जो चिकन हांडी है वो भी रेडी हो गया, और ये रेडी लगभग 5 मिनट में ये भी बन चुका है ना, 5 मिनट में ये भी बन चुका है। तो 5 से 10 मिनट में अगर आप वेट करते तो आपको फ्रेश खाना यहाँ पे मिलेगा। कोई भी गेस्ट आता है हम फ्रेश खाना बनाते हैं, उनसे मैं टाइम मांगता हूँ 10 से 15 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, मैं जो आप खाएंगे वो मैं खिलाएंगे। बबलू जी, कोई भी कस्टमर अगर यहाँ पे आता होगा वहाँ पे फ्रेश एंड लजीज खाना तो आप तो ये अच्छा करते हैं कि जो भी कस्टमर आता है आप जो भी खाना बनाते हैं फ्रेश खाना बनता है। तो ये देख सकते हैं चिकन हांडी, एंड खुशबू की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा खुशबू आ रहा है, और इसको टेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है। सो अब चलिए आप रोटी की बात करते हैं, तो बोलू जी बताइए यहाँ पे आप किस किस टाइप की रोटी बनाते हैं, यानी तंदूरी रोटी सब है या नॉर्मल रोटी? नॉर्मल रोटी से नॉर्मल चपाती है, अभी नॉर्मल रोटी है यहाँ पे फिलहाल। अभी आपको नॉर्मल रोटी मिल रहा है, और अगर आप लोग इनका सपोर्ट करते हैं, इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, तो आने वाले टाइम में तंदूरी रोटी का भी व्यवस्था किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रोटी कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने, जैसे आप देखे होंगे कि जो यहाँ पे पनीर सब्जी बना है वो गैस पे बना हुआ है, और रोटी की बात करें तो रोटी कोयले पे बनता है। और रोटी बना रहे हैं हमारे जगदीश जी, सही बोले नाम ना? जी। और आप क्या नाम था? अर्जुन। तो रोटी को सेक रहे हैं अर्जुन जी। तो देखिए जो रोटी है वो कोयले पे बनता है, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इनके होटल में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा एंड क्लीन रखते हैं होटल को, और हाइजेनिक पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखते हैं अभी रोटी कैसे फुला रहे हैं। आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बैठा हूँ, और सबसे पहले हमारे पास पानी एंड ग्लास पहुँच चुका है, और सलाद है। सलाद में देख सकते हैं टमाटर प्याज एंड हरी मिर्च है फिलहाल, और अब वो डिश लेके आएंगे तो हम टेस्ट करें। ये देख सकते हैं हमारा चिकन हांडी एंड पनीर मसाला, भुजिया कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा भुजिया कंपलसरी है। सलाद ऑर्डर पे आता है? ऑर्डर पे एक्चुअली थोड़ा के साथ पे आता है, ज़्यादा चाहिए तो ऑर्डर। अब रोटी आने की इंतजार है, जैसे ही रोटी आती है इसके बाद हम खाते हैं। ये बताइए हमारा रोटी है, चलिए टेस्ट करते हैं एंड फिर बबलू जी को हम बताएंगे कि कैसा लगा टेस्ट। वैसे तो हमको पता है, एंड फिर आप लोगों को बताएंगे कि टेस्ट कैसा लगा। ओके, सो नॉन वेज है वो दीपक टेस्ट करेंगे, और वेज जो है वो मैं टेस्ट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले प्लेट में रखते हैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। और जो भुजिया कंपलसरी यहाँ पर मिलता है उसको भी हम रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ फिर। सो ये रोटी एंड पनीर लेते हैं। ये नहीं मंगाया, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। दोनों बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो अब नॉन वेज दीपक तुम टेस्ट करो और बताओ कैसा है। तो अभी थोड़ा सा लेंगे चिकन एक पीस, थोड़ा सा ग्रेवी, इसे टेस्ट करते देखते हैं कैसा है। ये
रियली मतलब जितना अच्छा है मैं मतलब शब्दों से नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो चलिए बबलू जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं। बबलू जी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और मैं तीखा कम पसंद करता हूँ, सो मेरे लिए जो आप बनाए हैं वो एकदम सही बनाए हैं, मुझे तीखा उतना पसंद नहीं है। सो अगर आपको तीखा पसंद है मीठा पसंद है उस हिसाब से आप बबलू जी को बोलेंगे तो परफेक्ट आपके लिए बना देंगे। सो हाँ, तो जी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था वीडियो। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपके ढाबे में एक बार ज़रूर आएँ और आप उनका अच्छे से सेवा करें ताकि और अच्छे से उनको खिलाएं। अगर उसको उनको डिश पसंद आ जाता है जो भी वो यहाँ पे खाते हैं तो आपके ढाबा में वो फिर से अगेन आएंगे खाने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा कोई भी कस्टमर आए तो उनका अच्छे से वेलकम कीजिए ताकि वो लोग फिर से अगेन यहाँ पे आएँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग ज़रूर आइए और टेस्ट कीजिए। सो मैंने तो यहाँ पे टेस्ट कर लिया और जब हम खा रहे थे उसी टाइम वो कस्टमर यहाँ पे आए हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि वो क्या यहाँ पे बराबर आते हैं खाने के लिए या आज के फर्स्ट बार आए हैं। तो आप लोग कैमरा में आना चाहेंगे, तो आप लोग इस होटल को जानते हैं पहले से या फर्स्ट बार यहाँ पे आए हैं? फर्स्ट बार आते हैं। तो कैसा लगा खाना, आपने क्या ऑर्डर किया है? दाल तड़का और रोटी। तो खाना कैसा है यहाँ का? खाना बढ़िया है, बढ़िया खाना है। चलिए तो आप फिर आना चाहेंगे? रास्ते से जब भी मिल रहे थे जब भी जाते हैं। तो आज वैसे फर्स्ट बार आया, खाना आपको अच्छा लगा तो आप जब भी जाइएगा तो यहाँ पे फिर जाइएगा खाने के लिए। चलिए तो आप लोग भी, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि बबलू जी देख सकते हैं यहाँ पे हैं, बबलू जी का सपोर्ट कीजिए, इनके होटल पे आइए और ऑर्डर दीजिए, आपको ये निराश नहीं करेंगे, आपको बेस्ट खाना यहाँ पे आपको ये खिलाएंगे। सो प्लीज़ इनका सपोर्ट कीजिए। बबलू जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए सर। जो भी है आप लोग आएंगे अच्छा से खातिरदारी करेंगे, हमारा से जितना हो सके उतना फ्रेश खाना खिलाएंगे। अब जब ऑर्डर देंगे 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेश खाना के लिए, हम बना के नहीं रखते। जो भी है फ्रेश खाना आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के हिसाब से हम खाना बनाते हैं। 10 से 15 मिनट हमारा टाइम दीजिएगा आप लोग को फ्रेश खाना। ढाबा का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एड्रेस भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो अगर आप लोग को आना हो तो गूगल मैप के द्वारा आप यहाँ पे आ सकते हैं, लोकेशन में इसमें डाल दूंगा और नंबर भी है, अब अभी जिसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ढाबा के बारे में नहीं पता चले तो कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं और एड्रेस पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।